मेरे पीछे आप देख रहे हो सब्जी लगाई है, एक गवार है, तो इसमें थोड़ा कीटक है, तो मैंने आज एक ऑर्गेनिक दवाई बनाने की कोशिश की है। उससे रिजल्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि रासायनिक दवाई आती है, पेस्टिसाइड आती है, वो हमारे पौधों को साइड इफेक्ट देती है। तो इससे बचने के लिए मैंने आज एक ऑर्गेनिक दवाई बनाने की कोशिश की है। तो मित्रों, मेरा वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने दवाई बनाने के लिए मैंने एक नीम ऑयल लिया है, आप देख सकते हो ये नीम ऑयल है। ये लोकल मार्केट से मैं लाया हूँ। इसके साथ हम ये लिपिड सॉप मिलाएंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, और एक पानी की बाल्टी ली है मैंने, तो इसमें हम को मिक्स करेंगे। मित्रों, मैंने बाल्टी ली है और इसमें पानी लगभग 2 लीटर जैसा है, और इसमें हम ये नीम ऑयल मिलाएंगे। लगभग 2 ढक्कन मैंने लिया है। अब हम उसमें ये लिक्विड सॉप मिला देंगे। ये लिक्विड सॉप मिलाने का कारण ये है कि ये नीम ऑयल है तो पानी में जल्दी से मिक्स नहीं होता, तो ये लिक्विड सॉप मिलाने से ये पानी में मिक्स हो जाएगा। ये हमने लिक्विड सॉप ले लिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से मिला लिया है, आप देख सकते हो अब ये सब मिक्स हो गया है। इसका कलर भी पानी का चेंज हो गया है। मित्रों, आप देख सकते हो ये कोल तैयार हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, एकदम मिक्स हो गया है। तो चलो हम इसे स्प्रे कर देते हैं। तो मैंने स्प्रेयर ले लिया है, तो इससे हम स्प्रे करेंगे। ये भिंडी है तो भिंडी पर भर स्प्रे कर देंगे हम। तो मित्रों, ये था मेरे आज का वीडियो। मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।